मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र। जी हां, और हम बात करने वाले हैं पूरे दिन के खबरों के पीछे की सच्चाई के बारे में। और आज की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटका की कुमार स्वामी सरकार आखिरकार गिर गई है 14 महीने के नानुकुर के बाद। जी हाँ, ये नाटक अब खत्म हुआ क्योंकि अब बनने वाली है बीजेपी की सरकार और येदियुरप्पा बनेंगे मुख्यमंत्री। और हम और ऐसी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं, जिसमें अब दूसरी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, जो सत्र चल रहा है बजट सत्र, ये 10 दिन के लिए बढ़ गया है। यह इसकी बैठक, इसकी पूरी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूत्रों ने खबर दी है कि खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सांसदों को साफ कहा है कि आप सैटरडे संडे छुट्टी पर जाइए, लेकिन 10 दिन आप यहां पर हाजिर रहना है। जी हां, और ब्रिटेन को मिल गया है आखिरकार नया प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन नए प्रधानमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। जी हां, वो लंदन के मेयर रह चुके हैं अनिश्चित तौर पर, जिस प्रकार से अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था वहां के प्रधानमंत्री, उसके बाद उसके जॉनसन वहां के पीएम के रूप में चुना हुआ है। और बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा कदम उठाया है, और चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, पूर्व सांसद हों, इन सबों को जो सुरक्षा मिली हुई थी उसमें कटौती की है। उन्हें चिराग पासवान से लेकर उदित राज तक शामिल हैं। जी हाँ, बड़े बड़े लीडरों के सुरक्षा में कटौती की गई है। और अब हम चलते हैं सीधे ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ट्रंप के झूठ के पोल जब खुले तो ना केवल अमेरिका में उनकी छीछा लेदर हुई, बल्कि पाकिस्तान भी हैरान रह गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में आज खुलकर कहा कि ऐसा कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ मुलाकात में नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच जो जम्मू कश्मीर को लेकर समझौता हो उसके लिए ट्रंप या अमेरिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे या मध्यस्थता करे। जिसके बाद ट्रंप का तो उनके देश के सांसद में, उनके देश के पार्लियामेंट में मुखालफत हो रही है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का मुखालफत हो रहा है। लेकिन भारत में भारत के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री के स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सदन में आकर अपना बयान देना चाहिए। चलिए, और एक और बड़ी खबर है, हम उस पर नजर डालते हैं। अपर्णा यादव, जी हाँ, सपा के नेता और कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव की बहू, जो खास तौर से बीजेपी के संपर्क में है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी की संज्ञा दी थी। उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि सपा में जो फूट हुआ था, सपा यादव और अखिलेश यादव अलग हुए, और इसलिए अपर्णा यादव भी अपनी राजनीति अलग से शुरू करना चाहती हैं, और ऐसा साफ है कि वो बीजेपी कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव की के भाई की पत्नी आप कह सकते हैं, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव के दूसरे भाई जो हैं वो राजनीति से एक तरीके से कटे रहते हैं, दूर ही रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी राजनीति में रहती हैं। मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी जो है उनके वो बहू हैं, और इन दोनों के कारण काफ़ी आपस में तनातनी भी चलता था परिवार में। और जो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो खटास है उसमें भी कहीं ना कहीं इस परिवार का भी हाथ माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं, कांग्रेस ने एक नई पहल शुरू की है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें टिकट बंटवारे की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए अब इंटरव्यू लिया जा रहा है, उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो उम्मीदवार इंटरव्यू में पास होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ये कितना सच है, कितना दिखावा है, ये तो समय पर पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर हम कहते हैं कि अगर ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से कांग्रेस शुरू से चलती आती और आगे भी चलती रहती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आसान नहीं होगा नीरज जी, खास तौर से जब किसी विधायक को इंटरव्यू लेने के बाद आपसे छटनी कर देंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू में पास होगा उसे साफ आत्मविश्वास होगा, ऐसे में अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से भूचाल कांग्रेस में ही आएगी। और अभी तक जो टिकट बढ़ते थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष की सहमति होती थी, प्रभारी की सहमति होती है, और केंद्रीय नेतृत्व जिन्हें चाहता है उन्हें टिकट
देता है। बिल्कुल, और अब हम चलते हैं, चंद्रयान 2 मिशन जो है वो सफल रहा है और आज इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 का जो दिशा है वो सही दिशा में काम कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है और सफल तरीके से जल्द ही चंद्रमा के सतह पर उतर जाएगा। इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए अब सीधे बड़ी खबर पर हम डिटेल रूप से बात करते हैं। कर्नाटक में आज सियासी कह सकते हैं नाटक अंत हुआ और ये काफी दिनों से चल रहा था नाटक, एक महीने से ऊपर ये लग रहा था कि अब गई सरकार, अब गई, लेकिन सरकार जाते जाते भी बहुत टाइम ले ली और 14 महीने तक रही येदियुरप्पा की सरकार, क्षमा करेंगे कुमार स्वामी की सरकार, क्योंकि येदियुरप्पा के बार बार ऐसा आता है क्योंकि वो शपथ लेने वाले हैं निश्चित तौर पर, अब दावा वो पेश करेंगे, आज तो नहीं कल जरूर कर देंगे। बिल्कुल, और उसके बाद जो अभी तक उन्होंने जो विश्वास मत पर मतदान हुआ है उससे ही साफ हो गया कि उनकी सरकार अब बनने ही वाली है, क्योंकि 99 के चक्कर में पड़ गए कुमार स्वामी, उन्हें बस पूरे एक एक विधायक अलग करके गिनती किया लेकिन फिर भी 99 से ऊपर नहीं हुए और इसके बाद कुमार स्वामी ने इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। लेकिन इन पूरे घटना चक्र में मैन ऑफ द मोमेंट रहे हैं वो हैं रमेश कुमार। जी हाँ, रमेश कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका बड़े ही दुविधापूर्ण रही और एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने जितना अपना छीछाले दर करवाना था वो करवा लिया और विधानसभा अध्यक्ष का जो भूमिका होता है उसको उन्होंने मिट्टी पलित कर दिया, अगर आप कहें तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वीरवार से थर्सडे से ही बहस चल रहा था और अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव का बहस पूरे लगभग एक सप्ताह तक चला हो, मतलब 5 दिन तक ये विश्वास मत का कार्य चला, 5 दिनों तक आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी विधानसभा में या किसी भी लोकसभा में इस प्रकार से विश्वास मत पर इतना लंबा बहस नहीं हुआ। बहस क्या था, सुबह लोग आते थे, बहस भाषण दे के चले जाते थे, जबकि होना ये चाहिए था कि एक व्यक्ति को एक बार बोलने का मौका दिया जाए, एक पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनका एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस पार्टी के इतने अगर MLA हैं तो उसको 1 घंटे बोलने का मौका मिलेगा, दूसरे को 2 घंटे, तीसरे को 1/2 घंटा और इस प्रकार से जितने भी लीडर हैं वो 7, 8, 9 घंटे में बोल के ख़त्म करेंगे, उसके बाद वोटिंग होगी और मामला हाँ और ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा जैसा कि आज किया गया। यही काम पिछले ही बृहस्पतिवार को हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं करके अपने ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा लिया है रमेश कुमार जो कर्नाटका के विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने। जी हाँ, तो ये सियासी नाटक अब खत्म हुआ, निश्चित तौर पर नई सरकार का गठन होगा और हम आपको बता दें कि अभी भी सबसे बड़े दल के रूप में BJP थी लेकिन पूर्ण बहुमत से बस कुछ ही सीट उनके पास कम थे और इसके बाद जब 2 दिनों के सरकार बनी थी येदियुरप्पा के उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद कांग्रेस और JDS ने मिलकर जिसकी 80 और 37 सीट थी उसमें जो सबसे कम सीट था वो मुख्यमंत्री बने थे, कह सकते हैं कि झारखंड का नाटक किया गया था। हाँ बिल्कुल, झारखंड वाले मामले को दोहराया गया था जिस प्रकार से झारखंड के एक MLA जो थे उनको, निर्दलीय MLA को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया गया था ताकि वहां सत्ता में कांग्रेस और झामुमो रह सके और अगर ऐसा वो नहीं किए होते तो शायद उनको कोयला घोटाला से मुक्ति मिल सकता था। अब देखना ये होगा, कुमार स्वामी सरकार तो चली गई है, किन किन घोटालों को करके गई है ये अब धीरे धीरे उजागर होगा, कहां कहां लूट खसोट किया है कुमार स्वामी सरकार ने ये अब धीरे धीरे जब उजागर होगा तो जनता को पता चलेगा कि आखिर ये सरकार इतने दिनों तक अपने को रोकना क्यों चाह रही थी। चलिए हम चलते हैं सीधे संसद, जहां बजट की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और संसद ने वित्त विधेयक की मंजूरी दे दी है, इसके साथ ही जो बजट पेश हुआ था वो पूरी तरह से पास हो गया है लेकिन कई अहम बिल है, विधेयक है जिसे पास करना है और ये जो संसद सत्र था वो खास तौर से 26 जुलाई को खत्म हो रहा था लेकिन ये साफ हो गया है कि इसे पहले ऐसा माना जा रहा था कि 3 या 4 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा लेकिन साफ तौर से आ गया है, सूत्रों ने बताया कि 10 दिनों तक यह सत्र बढ़ने जा रहा है यानी 6 तारीख तक यह चलेगा सत्र, जिसमें कई अहम विधेयक
जो से जिस प्रकार काम होना है, और खास तौर से जो खबर आई है कि 20 सालों में पहली बार इतना जबरदस्त काम हुआ है लोकसभा में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कई विधेयक पर वहां चर्चा हुई और उसे पास किया गया, और अब जब 10 दिन के लिए बढ़ेगा, 10 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो खास तौर पे जो अहम विधेयक है वो 3 तलाक विधेयक है, जिसे पास करवाने के लिए मोदी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। और अब जो 10 दिन बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि 3 तलाक विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी एनडीए को बहुमत नहीं है। एनडीए को तो बहुमत है, लेकिन एनडीए के कुछ दल जो हैं वो 3 तलाक विधेयक के साथ खड़े नहीं उतर रहे हैं, जैसे जेडीयू 3 तलाक के समर्थन में नहीं है। तो किस प्रकार से 3 तलाक विधेयक को पारित कराने में सफल होंगे मोदी सरकार, इसके पीछे रणनीति तैयार की जा रही है, और इसी के लिए ये 10 दिन का उन्होंने मौका लिया है, 10 दिन टाइम बढ़ाया है। जी हाँ, बिल्कुल, तो साफ है कि 26 को संसद सत्र खत्म नहीं होगा, यह 6 तारीख तक चलेगा। चलिए, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और कई तरह के विधेयक इस पर पास होंगे, जो अब सरकार करना चाह रही है उसे अभी निश्चित तौर पर ये करेगी। चलिए, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए, और हम आपको बताने के चंद्रयान 2 बहुत अच्छे से जा रहा है, और इसकी खबर आ चुकी है जो अभी मंगलवार को कहा है, मतलब मंगलवार आज है, और ऐसे में बड़ी अच्छी से और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जिसे कल छोड़ा गया था। बिल्कुल, कल चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से, और ये आपको श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, और अब तक ये कहा जा रहा है कि 38,050 किलोग्राम के वजन वाला ये चंद्रयान जो है वो पृथ्वी की कक्षा में कक्षा से बाहर पहुंच चुका है, और अगले कुछ सप्ताह में ये चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दक्षिणी ध्रुव में पहली बार कोई भी यान जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला है, दुनिया का पहला यान होगा, और वो काम भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से चंद्रमा पर हमारा झंडा जो गाड़ के आएगा, तो हमारे लिए इतिहास में नाम दर्ज कराने जैसा होगा कि भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अपना झंडा गाड़ के आएगा, और वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसके बारे में एक एक फोटो खींचकर वहाँ के जो हमारे जो चंद्रयान 2 का जो रोबोट जाएगा वो एक एक फोटो भेजेगा, और उसको यहाँ पर जांच के पता लगाया जाएगा कि क्या वहाँ जीवन की संभावना है या नहीं है। या इसरो के अधिकारी ने कहा है कि जिस प्रकार से अभी चंद्रयान जा रहा है, यह अभी छोटी उपलब्धि है, जैसे ही हमें कुछ विशेष प्राप्त होगा हम आपको इसकी सूचना देंगे, क्योंकि बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। जी हाँ, और हम बात करते हैं अब ब्रिटेन में, पिछले काफी समय से एक तरीके से जैसे कर्नाटका में असमंजस चल रहा था, वैसे ही ब्रिटेन में भी असमंजस था कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, क्योंकि ब्रेग्जिट मामले को लेकर वहां पे तनातनी चल रहा है, और ब्रेग्जिट मामले को लेकर ये तीसरा प्रधानमंत्री बदला गया है। पहले टेरेसा मे बनी, उससे पहले वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वे कोई और थे, और अब आज जो है वहाँ पे बोरिस जॉनसन बने हैं, नया प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और उन्हें 92,153 अर्थात 66% वोट मिला, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें 46,656 वोट मिले, और इस प्रकार से उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के कुल 159,320 सदस्यों में से 87% वोटों से जीत हासिल किया है। खास तौर से जो उनके विपक्ष में थे जेरेमी हंट थे, इन्होंने इसको हरा दिया, और खास तौर से आप जॉनसन वहां के लंदन के मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर होंगे, और हम आपको बता दें कि इसके पहले वो लंदन के मेयर रह चुके हैं, निश्चित तौर पर काफी अहम पद पर रहे, इसलिए उन्हें पता है कैसे चुनाव जीता जा सकता है, और लेकिन उनके पास चुनौतियां हैं, अब देखना है कि वो इस कैसे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और वैसे कहा जा रहा है कि वे ब्रेग्जिट के समर्थन में हैं, और ब्रेग्जिट के समर्थक होने के कारण उनका ये राह जो है आसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटेन के लोग ब्रेग्जिट के समर्थन में हैं, और इन्होंने भी समर्थन में ही अपना वोट मांगा था। अगर आप मानमिन जी इनका फेस देखते हैं,
तो आपको लगेगा कि 20 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप शायद ऐसा ही दिखता होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ये जॉनसन है, दोनों को अगर अगल बगल में खड़ा करते हैं तो दोनों भाई भाई लगेंगे। तो अब देखते हैं ये दोनों भाई दुनिया में क्या करामत करते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगली खबर है खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, जिन्हें आप सुरक्षा की ज्यादा जरूरत नहीं थी, सुरक्षा घटा दिया है। जैसे उदित राज की सुरक्षा पूरी तरह से हटा लिया गया है, वो काफी नाखुश थे। और जब हम उनसे आज बात करने की कोशिश किए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब मैं सांसद नहीं था तब ही मुझे सिक्योरिटी मिली हुई थी, अब मैं पूर्व सांसद हूँ और ऐसे में अब कोई भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब इसको लेकर वो एक दो दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इनके साथ हम आपको बताते हैं कि लालू यादव और संगीत सोम और चिराग पासवान, जी हाँ, संगीत सोम और चिराग पासवान दोनों बीजेपी से सहयोगी, लेकिन इन दोनों का भी काट लिया गया है। इनके साथ ही कई और बड़े नेता हैं जिनकी सुरक्षा घटा दिया गया है। चिराग पासवान को 22 सुरक्षा दी गई है, जिनके पास अभी काफी महत्वपूर्ण सुरक्षा थी, सीआरपीएफ का था, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। निश्चित तौर पर जरूरत के अनुसार ही रखा जाए ताकि खर्च को कटौती किया जा सके। बिल्कुल, खर्च की कटौती की जा सके। और अब हम चलते हैं अगली खबर की ओर। आयकर रिटर्न के लिए जो पहले वक्त था 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया था आयकर रिटर्न के लिए, लेकिन अब आयकर रिटर्न के लिए एक महीने का वक्त बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग भी इनकम टैक्स का रिटर्न अब तक नहीं भरे हैं, वो आराम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का पेनल्टी ना लगे। क्योंकि इस बार कहा गया है कि अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको 5,000 से 10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। इसलिए आप अपने सीए के थ्रू या अगर आप खुद भरते हैं तो हिदायत से आप अपना आयकर भर दें टाइम से पहले, ताकि आपको पेनल्टी ना लगे। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आयकर विभाग ने जो अभी खास तौर से सरकार ने जो बढ़ाया है, और कह सकते हैं कि दायरा बहुत बढ़ गया है जब से डिजिटल हुआ है, और सरकार के लिए काफी राहत है, काफी पैसे आ रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी भी चाहता है कि हम रिटर्न भरकर उसका लाभ ले। तो जब डेट बढ़ गया है, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो नीरज सर ने बता रहे थे, निश्चित तौर पर उसका लाभ लीजिए। और हम चलते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ अन्ना हजारे कह रहे हैं कि आरटीआई लेकर जो खास तौर से किया गया है बीजेपी सरकार की है, एक प्रकार से ये धोखा है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने साफ तौर से कह दिया है, उसके कुछ उपबंध थे जिसमें खास तौर से काफी कठिनाई महसूस हो रही थी, उस पर कंट्रोल किया है, जिसमें सूचना आयोग है और सूचना आयुक्त है और कई अधिकारी हैं, उसके सीधे वेतन का आप है वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। वेतन का काम केंद्र सरकार निर्धारित करेगा, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे केंद्र सरकार के प्रति उन्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं, ट्रंप ने जिस प्रकार से बयान दिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया था कि जम्मू कश्मीर के समझौता के लिए पाकिस्तान से बातचीत में वो मध्यस्थता करें, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है। खुद अमेरिकी सरकार को जब लगा कि ट्रंप का पोल खुल रहा है, तो उन्होंने खुद अपने बात से मुकरते हुए कहा है कि ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा था, ट्रंप ने कुछ और कहा था। क्योंकि अब अमेरिका को लगने लगा है कि भारत के साथ पंगा लेना उनके लिए घाटे का सौदा होगा, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हैरानी जताते हुए कहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रकार का प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री कैसे दे सकते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैरान हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैरान हैं, हैरान उन्हें स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। इसके बाद आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोकसभा में स्पष्ट तौर पे अपना वक्तव्य दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ किसी भी मुलाकात में ऐसी कोई भी मंशा नहीं रखी थी। जी हाँ, और इस बीच एक बड़ी खबर आई है, हम उस पर नजर डालते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार गिरती है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी। साफ है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कर्नाटक का जो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश पर नजर है बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि उन पर आरोप लगे कि कांग्रेस में हॉट, कांग्रेस के विधायकों को हॉट स्टडिंग किया गया है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सफल नहीं होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि कई ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, और निश्चित तौर पर कभी भी सरकार यहाँ पर
गिर सकती है। बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश की बारी है और मध्य प्रदेश की बारी स्पष्ट तौर पे आज कर्नाटका का मिशन बीजेपी का खत्म हो गया है। जो एचडी कुमार स्वामी की सरकार है वो गिर गई है और बीएस येदुरप्पा की सरकार बनने वाली है। बड़े ही खुश होंगे आज बीएस येदुरप्पा और बड़े ही खुश मिजाज में वो आज चैन की सांस लेंगे। 3 दिनों से बेचारे विधानसभा के अंदर ही सो रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही होगी और आज आखिरकार चैन की सांस लेंगे और कल सुबह शायद उन्हें उनके जो मेहनत का फल कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कल शायद राज्यपाल की तरफ से उन्हें बुलावा मिल जाए और वो सब्र का फल उनके लिए मीठा हो सकता है। और अब स्पष्ट तौर पे अगली बारी कर्नाटका की ही है, क्योंकि कर्नाटका में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, धीरे धीरे सुखबुगाहट चल रहा है, धुआं निकल रही है और अगर कहीं से धुआं निकलता हो तो जरूर कहीं ना कहीं आग जल रही है और उस आग को हवा देने का काम अब बीजेपी करना शुरू कर देंगे बीजेपी के लोग। और ऐसा ही हवा आज शिवराज सिंह चौहान ने और पुराने उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने देना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी अब कांग्रेस की गिरने वाली है, ये आप तय समझिए। और मैंने अब पिछले दिनों अपने एक सहयोगी से फोन पे बातचीत करते हुए कहा था कि दीपावली से पहले पहले आपका सरकार वहां पे बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और हम चलते हैं खेल की खबरों की ओर। विराट कोहली अभी भी आईसीसी के ताजा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। खास तौर से भारतीय टीम ने अपनी आखिरी टेस्ट मैच जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी। तो कोहली के कुल अंक है 922 अंक, न्यूजीलैंड के बेन विलियमसन के हैं 913 जो दूसरे नंबर पर है। और कह सकते हैं कि अभी भारत के चेतेश्वर पुजारा 881 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन विराट कोहली अभी भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। चलिए हम हाँ बिल्कुल, विराट कोहली आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बने हुए हैं पहले स्थान पर और हमारा जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है वो न्यूजीलैंड से होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम का चयन भी हो गया है, वेस्ट इंडीज के लिए हमारे टीम का चयन भी हो गया है और उसके लिए वहाँ कहा जा रहा है कि 2 T20 खेले जाएंगे, 2 टेस्ट खेले जाएंगे और 2 ही वहाँ पे वन डे खेले जाएंगे। स्पष्ट रूप से जब वहाँ का रिजल्ट आएगा तो ये देखना होगा कि जो भारत वर्ल्ड कप में फेल हुआ है वो कितना मजबूती के साथ वहाँ पे अपना फिर से दबदबा बनाकर न्यूजीलैंड को हराने का काम करता है। अगर भारत न्यूजीलैंड को हरा देता है तो स्पष्ट रूप में भारत वर्ल्ड कप विजेता माना जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के विजेता आज अगर आप टेक्निकल रूप में देखें तो भले ही इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो लेकिन असली विजेता जो है वो न्यूजीलैंड ही है। वेस्ट इंडीज ही है। चलिए अच्छा, ये वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के चक्कर में थोड़ा सा ये हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलता है। चलिए और ऐसे जी हाँ, ये हमारे खेल की खबर थे और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।